India is my country. India is my country. All Indians are. All Indians are. My brothers and sisters. My brothers and sisters. I love my country. I love my country. ये क्या शंकर, आज अचानक? जी वो बात ये है, कुत्ते को खाना खिलाया? जी हाँ। उसे नहलाया? जी हाँ। फिर क्यों चिल्ला रहा है वो? आप जो कह रहे हैं हकीकत में वो होता नहीं है, शायद वो जान गया। वो यूं नहीं भौंक रहा है, दाल में कुछ काला है। वैसे कुछ दिन हो जाते हैं। नहीं पुरुषोत्तम, यमराज को भूमि पर आते हुए सबसे पहले कुत्ते ही देखते हैं इसे बोला गया है। आने दो, चाहे कोई भी हो आने दो। सुजाता। हाँ बोलिए। बाहर गाड़ी आया क्या? देखो। हाँ ठीक है। हाँ सुमा, आज वो नए ऑफिस में ज्वाइन करने वाले हैं, इसीलिए वो ऐसे चिल्ला रहे हैं। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग सर, अभी आएगा, थोड़ा वेट कीजिए। जी ठीक है। ओके, हाँ 10 मिनट में आ जाऊंगा। हाँ 10 बजे कलेक्टर ऑफिस में मीटिंग है। देखिए मैं आपसे एक बात पूछूं, कलेक्टर ऑफिस जा रहे हैं ना, वो वहाँ रहता है क्या? कौन? मुझे पता नहीं है वो कौन है। आपको टेंशन करने के लिए रोज आता है ना, वो है आपका पापा। थोड़ी देर बात मत करना, मूड ऑफ मत करना। अरे कहाँ गई थी तू इतनी देर? इतने देर तक तू कहाँ थे? क्यों आज इतने लेट हो गए? सुबह उठ के ही मुझे मार्केट जाना है, प्रोविशंस लेना है, मछली लेनी है और दवाई लेनी है। मुझे मालूम है, मैं सब कुछ जानता हूँ। वो आइयपन है ना, तुम्हारे लिए बहुत देर से इंतजार करते हैं। ओके ओके। इतना देर कहाँ थी? क्या आपको कुछ नहीं पता है, इतने बड़े घर को मैं अकेली संभाल रही हूँ ना। कलेक्टर ऑफिस से 5 साल पहले ही रिटायरमेंट लिए हुए दवाली अय्यपन, आपकी हर चीज की ख्याल मुझे ही रखना पड़ेगा ना। आइए इसे लीजिए। और आपके साथ 4 लोग और रिटायर हो गए, ये स्वीपर सरोजनी, गार्डनर से रिटायर हुए शंकरन, ड्राइवर पुरुषोत्तमन, सिक्योरिटी एडविन, मेरे दादाजी। आप सबको देखने के लिए सिर्फ मैं ही हूँ ना, ये लीजिए। अरे इसीलिए तो तुझे इतनी पगार देकर यहाँ नौकरी पर रखा है मैंने। ऐसे मत बोलिए, मैं सिर्फ होम नर्स हूँ, ठीक है। अय्यपन सर की देखभाल करने के लिए उनके 2 बेटे एसीपी जयदेव, पब्लिक प्रोसिक्यूटर विश्वनाथन ने मुझे अपॉइंट किया है। लेकिन क्या मैं सिर्फ वो काम कर रही हूँ? सारी चीजें मैं ही तो लेती हूँ, करंट, गैस, टैक्स भरने, बैंक, हर जगह मैं जाती हूँ, इस तरह 100 काम करती हूँ। अरे इसीलिए तो अच्छी पगार मिलती है। सही कहा, लेकिन पैसा आप नहीं दे रहे हैं, उनके बेटे दे रहे हैं। वो दोनों अच्छे पोजीशन में हैं, लेकिन उनके पास पापा के लिए टाइम नहीं है। उनका स्टेटस जरा भी कम ना हो इसलिए उन्होंने ये बंगला को रेंट लेके आपको रखा है, उनके पसंदीदा लोगों को काम पे रख लिया, लेकिन वो सैलरी देते हैं, यही सही है ना? अंजलि। हाँ पापा आ गई। 1 साल से कनाडा जाने के लिए वीजा के लिए वेट कर रही हूँ। क्या लड़की है। प्रेशर नॉर्मल ही है।
कुछ भी चिल्लाते नहीं हो? नहीं। कल घर जाते ही मम्मा ने कहा कि तुम सुबह चली जाओ, उन्हीं के खुशी के लिए मैं। लेकिन मैंने तुम्हें डांटा नहीं ना। आपकी इसी बात से मैं दुखी हूँ। आज भी आपको जाना ही होगा क्या? ऐसा क्यों? कमिश्नर जयदेव सर आज चार्ज लेने वाले हैं ना। सूरज और चांद के समान दो बेटे हैं मेरे, एक पुलिस कमिश्नर है तो दूसरा पब्लिक प्रोसिक्यूटर। इस बात पे आप खुश नहीं है क्या? इस बूढ़े बाप की जिंदगी में से हमेशा हमेशा के लिए अंधेरे को दूर करने के लिए धूप के समान बड़ा बेटा और चांद के समान रात में दूसरा बेटा। मगर क्या हुआ पापा? कुछ भी नहीं। कंडासरी कुमार का बेटा राजू है ना, उसके आवास निर्माण के लिए कलेक्टर ने लोन देने का वादा किया था। बारिश का मौसम आ रहा है ना, उसे उस पुराने घर से नए घर में भी जाना होगा, गृह प्रवेश करना होगा ना। पुरुषोत्तम गाड़ी को रोको। कितने दिनों तक उसको देखते रहेंगे? मन से मिट नहीं रही है उस बेचारे भास्कर की यादें। जानते हो लाइनमैन भास्कर और मैं बचपन से ही साथ रहा करते थे। नमस्ते अपन साहब। हाँ नमस्कार। आपको आए काफी देर हुए क्या? सुबह ही आ गए थे। डेढ़ साल से आ रहा हूँ एक लोन के लिए। आज देंगे कल लेंगे ही तो बोलता ही रहा, आज तक लोन नहीं मिला। मैं अभी आता हूँ, तुम यहीं पे रुकना। ठीक है सर। मैं कम इन सर। बोलो अयप्पा, मामला क्या है? कुछ नहीं सर, लोन का मामला है ये। कंडाशरी कुमार की लोन की अर्जी है ये। ओ तो रेडी हो गया ना, सेक्शन में दे दिया तो बस। बहुत शुक्रिया सर। आप जो कुछ बोलता वो तो मैं जरूर करूंगा, आपके ऊपर इतना पसंद है। रिटायर होने के बाद भी ये यूनिफॉर्म पहनकर हर सुबह यहाँ आ जाते हैं, सबको मदद भी करते हैं आप, ये सब तो मैं देख रहा हूँ। इस भेष को मैं कभी भी उतार नहीं पाऊंगा सर। जानते हैं 40 वर्षों से यही जो मेरे साथ है, इस यूनिफॉर्म के बिना मैं अधूरा हूँ सर। आज्ञा दीजिए सर। अच्छा अच्छा, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई क्या? सर ये आपके पापा है ना। भैया ये रहे। अयपन जी, क्या आप यहाँ कर बैठे हुए हैं? हमने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। क्या बात है? हम कलेक्टर साहब से मिले थे, रोड का विस्तार करने के लिए कॉलोनी को खाली करने बोले कलेक्टर साहब। अगर उस रोड का विस्तार कर रहे हैं तो हम सबको कॉलोनी खाली करके बाहर कहीं और जाना होगा। कुछ दिन बाद आखिरी नोटिस भी देने वाले हैं सुना है। उसमें तकरीबन 100 परिवार बसे हुए हैं। जानता हूँ, मेरा दोस्त शंकर भी वहीं रहता है। 400 स्क्वायर फीट या 300 स्क्वायर फीट में वहाँ घर है, वहाँ से खाली करके हम कहाँ जाएंगे? अयपन भाई, अगर आप बच्चों का ख्याल रखें तो।
देखता हूँ, आप लोग जाइए। ठीक है। हाँ पता उषवा, मैं ऑफिस में हूँ, आ जा। हाँ मेरे भाई विश्वनाथ। जानता हूँ सर, पब्लिक प्रोसिक्यूटर विश्वनाथ ही है ना। ठीक है मैं चलता हूँ सर। हेलो सर। हेलो हेलो, आजा आजा। मैं सुबह आपको फोन किया था, मिला नहीं। आज ज्वाइनिंग देना थोड़ा बिजी था। भाभी और बच्चे? सुजाता घर में है, बच्चे हॉस्टल में है। और तुम्हारे बच्चे? सब अच्छे हैं। देखो उषवा, आज सुबह मेरे मन खराब हो गए। मालूम है मुझे, सुबह कलेक्टर ऑफिस में पापा को मिला होगा, है ना? सही कहा। ए, वो यहाँ नहीं आना था। अब क्या बताएं, रिटायर करने के बाद यूनिफॉर्म पहन के फिर से एक आदमी का वहाँ जाना, काम करना, कितना खराब लगता है। इसीलिए सब लोग उसको पागल कहते हैं, नहीं तो उनको हम लोग पागल बना देंगे। कैसे? ए, रूलिंग पार्टी और होम मिनिस्ट्री के आदमियों हम लोग हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट के एक डॉक्टर से उनको चेकअप करना चाहिए, वहां से एक सर्टिफिकेट मिल गई तो वो बिल्कुल पागल हो जाएंगे। आपका आइडिया तो अच्छा है। राजनी, इसमें तो नमक कम है। आप तो छोटे बच्चे नहीं है, बीपी शुगर ज्यादा है। मुझे थोड़ा भी नहीं है। अच्छा, तेरे तो बहुत बड़ा है, श्वास का बीमार। तो सर्दी के मौसम पर आएगा। वो भी सही है। अंजलि बेटा, सैलरी मिल गई ना? एक तारीख आनी दीजिए ना पहले। क्यों इस सैलरी के बारे में सोच रहे हैं? पेंशन मिल रहा है ना गार्डनर के लिए? उसके लिए नहीं। फिर क्या? कॉलोनी में मेरा घर है ना, तुझे पता है, वहाँ पर एक प्रॉब्लम है बेटा। बारिश आने वाली है ना, सैलरी और बोनस इंक्रीज करने से ही वहाँ की समस्या सुलझेगी। राजीव के बहुत फोन आ रहे हैं। उनसे दो दिन वेट करने के लिए बोलिए, ठीक है? अरे आप क्यों इतनी देर से चुप है? आपने आज कुछ ज्यादा पी लिया क्या? मैंने तो सिर्फ दो पैग पिया। हमारी अजम्मा कहाँ गए? आप लोग खाइए, मैं आऊँगा बोला। अच्छा तू जाके देखो। ठीक है, आप सब खाइए। ये बहिया की कारुनिया से बिना तकलीफ जी रहा हूँ। अगर ये नहीं तो एक अनाथ आश्रम में जम गया होगा। पापा, ये सब क्या है? आप क्या देख रहे हैं? पुराने गवर्नमेंट ऑर्डर की कॉपी। बरसों पहले मैं तिरुवल्लूर कलेक्टर ऑफिस में काम किया करता था। उस समय वहाँ कलेक्टर रहा करते थे और उनका नाम है रामलिंगम, आंध्रा के हैं। और उन्होंने आवास के लोगों को हटाने के लिए एक ऑर्डर जारी किया था। जरा तुम इसे पढ़ना। क्यों, आप नहीं पढ़ पा रहे हो क्या? पढ़ नहीं पा रहा हूँ, सब कुछ धुंधला नजर आ रहा है। आपको चश्मा लेना पड़ेगा, आपकी उम्र 65 हो गई है ना? अब तक कोई समस्या नहीं थी ना? अगर आँखों की रोशनी कम हुई तो चश्मा लगाने से ठीक होगा ना? आँखों की रोशनी चली भी गई तो कोई बात नहीं, आत्मा के आँखों की रोशनी कभी नहीं जानी चाहिए, ये याद रखना। पढ़ो। 1965 के साल, मुगुंदपुरम तालुका, मेलूर, किड़काम्बुरम विलेज, रेवेन्यू 165। हाँ बस बस बस, यही ऑर्डर उस समय के कलेक्टर नारायण मूर्ति ने मुझे दिया था। तुम कुछ समझ पा रही हो क्या? नहीं तो। सन 1957 में स्टेट लैंड कंजर्वेंसी एक्ट में रूल 11 के सब रूल ए के मुताबिक। अच्छा, ये सब आपने कहाँ से सीखा? एक जिला का अधिकारी ही कलेक्टर होता है, कलेक्टर का सेवक और रक्षक ही है ये चपरासी। 40 साल इस चपरासी की जिंदगी में मैंने कई कलेक्टरों के साथ काम किए और उनके साथ रहकर सरकारी कामकाज करने की इच्छा जो मन में थी उसके अनुसार मैंने बहुत कुछ सीख लिया और आज उस नौकरी से मैं पीछा नहीं छुड़ा पा रहा हूं। अय्यप्पा नाम का वो शख्स चला तो गया लेकिन चपरासी अय्यप्पा फल फूल रहा है, अय्यप्पा से भी बड़ा।
चपरासी अय्यप्पा। किसी को दुख पहुंचाने के लिए मैं इस तरह नहीं कर रहा हूं बेटी। सेवा से निवृत्त होने के बाद यूनिफॉर्म पहनना गलत बात है, मैं जानता हूं, लेकिन किसी यूनिफॉर्म के बिना मैं कुछ भी नहीं। आज आपने जयदेव सर को देखा ना कलेक्टर ऑफिस में? उससे गुस्सा है बेटी। निचली जाति के होने के कारण जमींदार और ब्राह्मणों की इज्जत करके इसी मिट्टी में जन्म लेकर दर दर की ठोकर खाने वाला एक इंसान हूँ मैं। आज भी मुझे विश्वास है कि ईश्वर ने इस दुनिया के लिए बहुत ही नेक काम किया है बेटी, और उनके नक्शे कदम पर चलने के लिए उन्होंने मुझे ये वर्दी दी है, चपरासी की वर्दी। अरे कौन, आओ अंदर आओ। यम ही न वृदयं ददे पुरुषम पुरुषर सभा समदुख सुगम धीरम सो मृदत्ताय कल्पदे। सुख और दुख क्षण भर का है, उसे भयभीत न होने वाला जीवन मुक्त है और मृत्यु उसे कभी पराजित नहीं कर सकती। हर साल दिवाली तीज छठ पूजा इस तरह बहुत सारे उत्सव आते हैं, बारिश धूप और सर्दी भी आती है, लेकिन तुम कहाँ गए भाई? कहीं तुम मुझे भूल तो नहीं गए? अरे नहीं साहब, कहाँ भूला हूँ मैं आपको। जहाँ तक जमीन दिखाई देती है वहाँ तक चलता रहता हूँ मैं, और चलता ही रहता हूँ, जितना भी चलता हूँ खत्म नहीं होती है। हुआ तुम सही वक्त पे आ गए, मैं बाहर जा रहा हूँ तो मुझे आशीर्वाद दो। अरे भाई आशीर्वाद देने के लिए बोला, क्या सोच रहे हो? मैं वही पुराना चपरासी अय्यप्पा हूँ। तेरा सर्वनाश होगा, तेरा सत्यानाश हो जाएगा, तेरे कुल का सर्वनाश हो जाएगा, तेरा इस जमीन में कुछ नहीं बचेगा। बस 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 बहुत हो गया बस। तेरा सर्वनाश होगा, तेरा सर्वनाश होगा, तेरा सर्वनाश होगा, तेरा कुछ भी भला नहीं होगा, तेरे कुल का सर्वनाश हो जाएगा, तू बर्बाद हो जाएगा, तेरा कुछ नहीं होगा, तेरे कुल का सर्वनाश होगा। उफ, आज मैं बहुत डर गई। क्यों घबरा रही हो? ये जंगली लोग हैं, बिल्कुल सच बोलते थे, और फिर उनके वंश का आखिरी चिराग है ये बंदा। जंगल में रहने वाले क्या? नहीं, शहर में रहते हैं, यहाँ वहाँ से जो कुछ भी मिला उसे खाकर जीवन निर्वाह करते हैं, और वो जो कुछ बोलता है उसका उल्टा ही होता है। उनकी बद्दुआएं दुआ ही है बेटी, और इसलिए उनकी बद्दुआओं का कोई असर नहीं होगा। मैं ये सब पहली बार सुन रही हूँ। अब उनकी प्रजाति नहीं है, अब वो कब आएगा पता नहीं। हेलो, क्या सर, हम निकल गए। कितने बजे? 9:30 को। हाँ ठीक है ठीक है, ओके। पापा आपके दूसरे बेटे विश्वनाथन सर, उन्होंने कहा आई हॉस्पिटल में बात कर लिया, हमें 9:30 को जाना है। संभल के रहना होगा, मेरे बेटे का बताया डॉक्टर है ना। आपको कुछ दिखा रहे हैं? थोड़ा सा। अब देखिए। कुछ नहीं दिखाई दे रहा, सब कुछ धुंधला है।
आप उसे पढ़कर देखिए। हाँ अब देख पा रहा हूँ। तो वहाँ क्या लिखा है पढ़िए। जो भी हुआ था वो भलाई के लिए, और जो हो रहा है वो भलाई के लिए, और जो होने वाला है वो भी भलाई के लिए। अब ठीक है, आप उठिए। आपके साइट में कोई दिक्कत नहीं है, मगर स्पेक्स डालनी है। स्पेक्स के लिए फ्रेम सेलेक्ट करना है ना? वो सब इसका काम है। शाम तक आपको स्पेक्स मिल जाएगा। ठीक है, जाइए। थैंक यू। चलता हूँ बेटी। क्या हुआ? पापा नहीं है क्या? वो अंदर ही है। चलो। आई हॉस्पिटल में क्या कहा? डॉक्टर से मिला, चश्मे के लिए भी लिख के दिया है। चश्मा नहीं मिला क्या? वो कहाँ है? अंजलि वो कुछ खरीदने के लिए बाहर गई है। पापा मैं कल से यहाँ ज्वाइन किया। कल मैं आपको कलेक्टर ऑफिस में देखा। काम की वजह से आपसे बात नहीं किया। कोई बात नहीं जयदेव, तुम कितने व्यस्त हो मैं जानता हूँ। आप क्यों ये यूनिफॉर्म पहनकर कलेक्ट्रेट ऑफिस जाते हैं? थोड़ा सा भी शर्म है कि नहीं? ए, चुप कर। देखिए पापा, हमारी बात समझो। सभी लोग हमको गालियां देते हैं। अरे नहीं। अरे भैया ने तो ठीक ही कहा है, यहाँ किस बात की कमी आपको? नया घर, कार, एसी, पैसा, बैंक अकाउंट भी है, आपके साथ रिटायर होने वाले दोस्त भी है। एक बूढ़ा आदमी को इससे ज्यादा और क्या चाहिए? मैंने कुछ मांगा था क्या तुमसे? देखो मेरे पास सब कुछ है। आज सोने की थाली में रोटी है, और आने जाने के लिए कार सब है। ये सब मेरे लिए व्यर्थ की चीजें हैं। मुझे तो तुम्हारी जरूरत है, मेरे दो बच्चे और उनका प्यार, जिनको पाल पोस के मैंने बड़ा किया है। तुम दोनों मेरी दो आंखें हो। इसको ये लोग पागल कहते हैं। आपके लिए हम हमारी फैमिली को त्याग नहीं कर सकते हैं। सब कुछ छोड़ के हमारे साथ रहने के लिए बोला था, उसको भी कबूल नहीं किया। बहुत हो गया। एक पुलिस कमिश्नर और एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर इस देश की जनता के साथ क्या कर रहा है मुझे सब कुछ पता है। भू माफिया, ब्लेड माफिया और राष्ट्रीय स्तर के खूनी और उस तरह के लोगों के गुनाह पर पर्दा डालने के लिए तुम जैसे दो सरकारी अफसर, जिन्हें उन गुनाहगारों के सामने झुकते हुए कई बार देखा हूं मैं। यही इन पुराने लोगों का प्रॉब्लम है। ये राजनीतिक अधिकार सब हमारे विकास के लिए है, न कि लोगों का भला करने के लिए है। जरा समझिए पापा, ये देश बदलेगा या सुधरेगा नहीं, इसकी विधि तो यही है। राजनीतिक झोपड़ी, हत्या करने वाला, व्यभिचार, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। ये लोग सुधरेगा या बदलेगा नहीं, आप थोड़ा समझ लीजिए। बदलाव करने के लिए हम लोग कौन है? बस करो। अगर मेरी खैरियत जानने के लिए आए हो तो सुन लो, मैं यहाँ खुश हूँ। आपको उम्र ज्यादा हो गई है, हम एक डॉक्टर को देखेंगे, जरूरत पड़े तो काउंसलिंग करेंगे। नहीं, मेरे रोग और मेरे विचारों को तुम मेरे साथ ही रहने दो। तुम कहाँ थी? मैं ये सब लेने के लिए गई थी। पापा को देखभाल करने के लिए ना हम लोग तुमको नौकरी दिए। उसे कुछ मत बोलना, उसे मैंने ही बाहर भेजा। बेटी तुम अंदर जाओ। चलिए हम चलते। आपको इस उम्र में क्या चाहिए? कुछ भी नहीं चाहिए। अरे चलो भी, इनसे बात करेंगे तो हमारा ही बीपी ज्यादा होगा। पापा, मेरे दोनों बच्चे बहुत बड़े हो गए हैं। एक कहावत है, जिस माँ बाप ने तुम्हें पढ़ाया है उस माँ बाप को भूल से भी ना भूलना, ऐसी एक कहावत जो है। आप आइए पापा। कुछ भी कहो, ये तो हद हो गई। बच्चों को ऐसे पिता से बात करना चाहिए क्या? इससे ज्यादा भी बात करते हैं। हकीकत तो ये है कि अय्यप्पा उसके ऊपर एक भार हो गया है।
दोनों बच्चों का शादी भी हो गया, उनको भी बच्चा है, मगर एक भी इस ओर नहीं आता। वो लोग बाल बच्चे लेके आके दो दिन ही टिका तो वो बच्चों के साथ खेल के ये तो खुश रहेगा ना। सब उसकी तकदीर है ये। अच्छा अच्छा, अगर वो सब आ गए तो आपकी हालत क्या होगी, इसके बारे में सोचा आपने? सब लोगों को जाना होगा, यहाँ से आप कहाँ जाएंगे? हाँ, के शंकरन गार्डनर, बच्चे नहीं है, वाइफ का नाम राजी है, यहाँ से दूसरी कॉलोनी में ही घर है। सरोजनी बालकृष्णन, स्वीपर क्लास 2। शादी के कुछ सालों बाद ही बालकृष्णन की मौत हो गई, बच्चे बड़े होकर अलग चले गए, अब अकेले यहाँ पे हैं। और जनाब आप, सिक्योरिटी हाई ग्रेड, वाइफ का नाम मेरी बहुत साल पहले ही मर गए, बेटी और दामाद भी कार एक्सीडेंट में मर गए, बची हूँ आपकी पोती यानी कि मैं। हाँ, इस दुनिया में जिनकी उम्र हो जाती है उनको सब बोझ समझते हैं, है ना? अंजलि, हम यहाँ से बाहर जाने में मुश्किल तो नहीं है, आइए पंजी अपने खानदान के साथ खुश रहना। ओ सच्ची कहा है, अपना ही सुख देखना सही नहीं होता। उस आदमी के दिल के दर्द को मैं अच्छी तरह समझता हूँ। अरे अरे, सब लोग सीरियस हो गए, मैंने बस ऐसे ही कहा था। सारे कामों को खत्म कीजिए, खाना है ना, सारे काम खत्म कीजिए। हाँ अंजलि हूँ, अंजलि जोस। यस, अप्लाई किया था। अच्छा, नेक्स्ट मंथ, ओके ठीक है, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। ये क्या है बेटी? एक मिनट, क्या बात है बता अंजलि, खुश होने की क्या वजह है? ये कनाडा आपने सुना है? कनाडा में रोबोटों के बारे में पता है? कनाडा में रोबोट में रॉयल रोबोट के हॉस्पिटल की नर्स की जगह में मुझे यानी अंजलि जोस को अपॉइंट किया है, इसे बताने के लिए ही वीसा एजेंसी से मुझे कॉल आया था। That means Miss I am is going to fly to Canada on next week. मैं तो हमेशा कहती हूँ ना, मैं एक तूफान की तरह हूँ, ये तूफान अगला महीना यहाँ से कनाडा जाएगा। ओके ओके, आप सबको क्या हुआ? क्या हुआ बोलिए ना। तुम कनाडा जाना चाहती हो? हाँ। और कुछ बनना चाहती हो? हाँ। पर तुम्हारे जाने के बाद हमारा क्या होगा सोचा है? सॉरी, यहाँ रहूंगी तो कुछ नहीं होगा, मैं जिंदगी में कुछ नहीं कर पाऊंगी। बताते हैं बूढ़े लोगों के साथ जवान बच्चे रहेंगे तो वो भी बूढ़े लोगों की तरह ही बिहेव करेंगे, आपको पता है, तो इसलिए मुझे यहाँ रहना बिल्कुल सही नहीं होगा। सिर्फ यही नहीं, आप सब लोग जिंदगी के आखिरी स्टेज में हैं। लेकिन मैं, देखिए मेरी जिंदगी अभी शुरू हुई है। अच्छा ठीक है, अभी मैं निकलती हूँ, मुझे देर हो गई है, चलती हूँ अय्यप्पन सर, बाय। अरे संभल के, जीवन को खत्म करने में ही परेशानी है। हेलो। आप फिकर मत करो, ये अंजलि कहीं नहीं जाने वाली है। क्या? ये तूफान इस जगह को छोड़ के कहीं नहीं जाने वाली है। गुड मॉर्निंग सर। नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग। हाँ, बड़ी खुशी हुई, आइए। साहब, अय्यप्पा, मुझे यहाँ का खाना बिल्कुल पसंद नहीं है, एक खाना पकाने वाली जरूरत है, पैसों की फिक्र मत करना, लेकिन फुल टाइम उसे यहाँ रहना है। जी साहब। आपके जैसे सिंसियर होना है। जी समझ गए। जी साहब। साहब अरे
अयपन आइए आइए। ये कौन है? मेरी पत्नी सुभद्रा। अच्छा ये बात है। घर के कामकाज के लिए किसी की जरूरत थी आपको। हाँ इसलिए लाया हूँ मैं। अच्छा अच्छा बहुत खुशी हुई। अयपा आपके दो बच्चे हैं ना? हाँ हैं सर, उनको हमारे माँ पापा देखते हैं सर। हाँ आपको यहाँ कोई कमी नहीं होगी, हमारे आउटहाउस क्लीन करके आप वहीं रह लीजिए। जी साहब। तो फिर ठीक है, अंदर जाइए। आओ आओ। हाँ हाँ ठीक है। हाँ खाना दो, पास आइए, एक पत्नी के जैसे ही परोसना। समझ में नहीं आया क्या? अरे रे समझ में नहीं आया, आइए पास आइए पास आइए। देखो मैं सब समझा देता हूँ, आओ पास आओ। पत्नी का मतलब मालूम नहीं है क्या? पत्नी का मतलब वाइफ, बीबी। आइए परोसिए। मैं वहां से देख रहा था, क्या बताऊं, तुम बहुत ही खूबसूरत हो। इस दुनिया में आपके जैसी खूबसूरत लड़की को मैंने कभी देखा ही नहीं। देखिए मैं आपके लिए ढूंढ ढूंढ कर प्यार से एक तोहफा लाया हूं। देखो कांचीपुरम सिल्क है, 2000 रुपया का है, प्यार से लाया हूं तुम्हारे लिए। उसका जिम्मेदार खुद मैं ही हूं, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है सुभद्रा, मगर आज के बाद जरा सावधानी बरतना तुम। इसमें मेरी गलती नहीं है, जब वो सामने आ रहे हैं अगर मैं दूर चला गया तो आपको काम से निकालने का डर थी मुझे। सुभद्रा हमारे सुंदर परिवार है और दो बच्चे हैं, पढ़ा लिखा कर उन्हें कुछ बनाना है ना, यही है ना हम दोनों का फर्ज। चांद और सूरज के समान दो बच्चे हैं हमारे, कोई बात नहीं, मुझे पसंद है जहां मैं काम करता हूं और मुझे खुद से ज्यादा तुम पर विश्वास है सुभद्रा। उसके बाद क्या हुआ? 6 महीने के बाद कलेक्टर सुब्रमण्यम किसी और शहर में चला गया। कलेक्टर को विदा करने के लिए मैं भी रेलवे स्टेशन गया। चेन्नई वाली ट्रेन से वो चले गए। लेकिन लेकिन मेरी सुभद्रा लापता हो गई। हर जगह ढूंढ के देखा, दोनों बच्चे मुझसे निपट कर बहुत रो रहे थे। एफआईआर दर्ज किया और उसे ढूंढा भी, लेकिन वो नहीं मिली। उसके बाद गांव वाले बहुत कुछ बोलने लगे। क्या ये पाकी पत्नी कलेक्टर के साथ भाग गई? अयपन और उस सब में से मैं बाहर आ गया। दोनों बच्चों को
कष्ट उठा के पढ़ाया लिखाया और आज वो बहुत अच्छी पदवी पे हैं। जयदेव और विश्वनाथ। उस समय वहां के कलेक्टर जॉर्ज कुटकी साहब ने ही उसका नामकरण किया। जो अजय है वो है जयदेव और विश्व का नाथ वो है विश्वनाथ। वो सब सोच के चिंता मत किया करो, खुश रहा करो। आज तक मैं उन दोनों के लिए जी रहा था, ये सोचकर आज मुझे बहुत ग्लानि हो रही है। ये सब क्यों किया ये सोच रहा हूं मैं। क्या कह रहे हैं? दाहिनी आंख में जयदेव और मेरी बाई आंख में विश्वनाथ, और आज ये दोनों आंसू बन के मेरी नजरों में रुकावट बन रहे हैं। छोटे बच्चे और व्यवसाय एक समान ही है डॉक्टर। कष्ट उठा के पाल पोस के जब बड़ा करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है डॉक्टर, लेकिन जो ही कटाई करते हैं तो नष्ट ही होता है। वो ठीक है, लेकिन जब देखो आप वही ड्रेस क्यों पहनते हैं, क्या खास बात है? उसकी खासियत यह है डॉक्टर, जब उसे पहनते हैं तो मन में हिम्मत आ जाती है। माँ की ममता का एहसास है डॉक्टर्स में, इसलिए उस कपड़े को पहनता हूँ मैं। आपकी ये समस्या पूरी तरह ठीक हो जाएगी, दवाइयाँ लिख दी हैं, एक महीने के बाद आइएगा और फौरन आप चश्मा लगा लो, ठीक है ना? ठीक ठीक डॉक्टर, जाइए। मुझे और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना डॉक्टर? नहीं नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप हिम्मत से जाइए। हाँ ठीक है डॉक्टर। कमलापुर का जॉर्ज वर्गीस, कोर्टी पंचायत, 14वां वार्ड, महात्मा कॉलोनी, घर का नंबर 114/8। कमलापुरम जॉर्ज वर्गीस यहाँ रहता है क्या? मैं ही वर्गीस हूँ। क्या काम है सर? रोड की विस्तार करने के लिए कलेक्टर ने आपको घर खाली करने का आदेश दिया है। आपको 7 दिन में घर खाली करना है वरना सरकार अपना काम करेगी। यहाँ दस्तखत कीजिए। सर हम गरीब लोग हैं, यहाँ खाली करके हम कहाँ जाएंगे? ये सब हमारा प्रॉब्लम नहीं है, ये सरकार का फैसला है, पहले आप इसे स्वीकार कीजिए। वर्गीस भैया नोटिस मत लीजिए। आप किसी कीमत में भी नोटिस मत लेना आप। अरे जाने के लिए कहिए, इनसे कुछ नहीं होगा। इस कॉलोनी से कोई भी घर खाली नहीं होगा, जो करना है आप कर लीजिए। हम अपने नेता माइकल से बात करेंगे, उनसे जाके पूछिए। आप लोग प्रॉब्लम मत करिए, हम लोग शांति से काम करने के लिए आए हैं। अगर आप ये नोटिस नहीं लेंगे तो आप घर के बाहर ये नोटिस चिपका देंगे हम। अगर आप हमें मार भी देंगे तो भी हम ये नोटिस नहीं लेंगे। सर आप चलिए। नहीं मैं तुम्हें आगे नहीं जाने दूंगा। नहीं हम नहीं हटेंगे रास्ते से। काम करने दीजिए। नहीं मैं तुम्हें तुम्हारा काम करने नहीं दूंगा, ये मेरा घर है। नहीं सरकार और आयकर अधिकारी हमारे साथ ही है, फिर क्या प्रॉब्लम है? अगर वो खाली नहीं करेंगे तो हम कानून की मदद लेंगे। मैं मैक्सिमम कोशिश करूंगा। आप उसकी कीमत तो जानते हैं ना। मे आई कम इन सर? यस कम इन। क्या साहब बिना पूछे आपने कॉलोनी में नोटिस लगाया है? मिस्टर माइकल आप ऐसे बात नहीं करना, क्योंकि उस रास्ते को और बढ़ाने के लिए सरकार ने 1 साल के पहले आप लोगों से बताइए ये सच है ना? कलेक्टर साहब के ऑर्डर के ऊपर हमने स्टे लिया हुआ है। स्टे का डेट कल से एक्सपायर हो गया। ओहो वो डेट खत्म होते ही आपने आके नोटिस लगा दिया, आपकी तारीफ होनी चाहिए। और किसी काम के लिए पुलिस और प्रशासन गरीब लोगों के दरवाजे पर कभी नहीं जाता। मिस्टर माइकल आपके मन में बात तो और मजाक नहीं कर रहा हूँ सर, जो दिल में है वही कहा। उस कॉलोनी वालों को कौन जवाब देगा? देश की तरक्की में सड़क का विस्तार होना जरूरी है। देश की तरक्की होनी चाहिए, उसके लिए मैं रोड बनाने को मना नहीं करता, लेकिन कॉलोनी वालों के लिए दूसरी जगह देने के लिए आपने क्या किया अभी तक? आप जाके कलेक्टर से पूछिए। कलेक्टर से मिलकर आ रहा हूँ। कलेक्टर ऑर्डर्स को मैं फॉलो करना है, पता है, अच्छी तरह जानता हूँ। 7 दिन के बाद वहाँ पुलिस और बुलडोजर लेके पहुँच जाना, देखेंगे। जान जाएगी पर ये नहीं होने देंगे। हम कौन है दिखा देंगे। चलो
इसे अपनी तरफ खींच लो। वो तो आपकी काम है। बिकेगा क्या? कोशिश करके देखना। हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। अगर सब कुछ ठीक ठाक हो जाता है तो आपका भी भला होगा। आप जानते हैं ना कितना बड़ा प्रोजेक्ट है। मालूम है, इसीलिए मैं सुन रहा था। अपने आप को बहुत बड़ा नेता समझता है, कॉलोनी के चार लोगों को रखे नेतागिरी कर रहा है। आज क्यों इतने देर हो गए? अब क्या बताऊं भैया, दो तीन मेजर केसेस थे। पकड़ पी लो। मैथ्यू सर आए थे, समस्याओं को बताया। ये माइकल भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, उनको तो हटाना ही है। हाँ, तुम चिंता मत करो, मैंने एक दो प्लान और बना के रखा है। तुम माइकल को हाफ करो, बाकी मैं देख लूंगा। भैया, रेवेन्यू मिनिस्टर और कलेक्टर हमारे ही साथ है ना। मिनिस्टर को अगर पैसे दे दिया तो और क्या चाहिए, अगली बार तो वो लोग सत्ता पे आएंगे ही नहीं। नमस्कार। बैठिए। थैंक यू। हैव वन पैक प्लीज। अभी नहीं। काम क्या है बताइए। उनको पूरा चेक किया मैंने, उनको आंखों की कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं सोचता हूँ मेंटल डिप्रेशन है। अरे नहीं, कुछ मेंटल डिजीज है क्या? नहीं, उसे डिजीज नहीं कह सकते, मन में एक भ्रम है, मन का दुख है। इस उम्र में ये हो सकती है। और वो अकेला रहना बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं शायद, यही बात है, यही समस्या है। अरे मेरे डॉक्टर, अभी उनको ये सब होने की कोई संभावना नहीं है। उनको क्या प्रॉब्लम है? इतनी रॉयल सी जिंदगी जीने वाला बुजुर्ग को आपको अभी देखा क्या? सर, बुढ़ापे में अक्सर लोग अकेले हो जाते हैं, बेटे हों, बहुए हों या नाती पोते हों, सब साथ रहना चाहते हैं। इसमें कोई गलत नहीं है। डॉक्टर, क्या आप हमको उपदेश देने के लिए आए हैं? नहीं नहीं नहीं, कभी नहीं। उनकी दिमागी परेशानी जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसके लिए मेडिसिन है क्या? हाँ हाँ, दो तीन किस्म की टैबलेट है। उन दो में से एक में साइलेंसेस है, चक्कर बहुत आएंगे। डॉक्टर, उस टैबलेट का डोज ज्यादा कर दीजिए। कभी भी बाहर निकल ना पाए, स्थायी रूप से खटिया पे ही रहना है। क्या बकवास कर रहे हैं आप? ए, नॉनसेंस की बात नहीं, इट्स आवर सेंस, ये हमारी आइडिया है। किसी को नहीं मालूम है, चपरासी अय्यप्पा खटिया पे ही लेटे हैं, ऐसा लोग कहेंगे। सॉरी, मैं चलता हूं। अगर आपसे नहीं हो पाता तो बताइए, ये सब किसी से कहने की जरूरत भी नहीं है, आपको तो मालूम है, नहीं तो हमें कुछ और फैसला करना पड़ेगा। सर, अय्यप्पा है। आने दो। क्या है अय्यप्पा? सर, उस कॉलोनी की प्रॉब्लम। खाली ना करो, लोग तकलीफ उठाएंगे, रहने के लिए जगह नहीं होगा, ये सब बोलने के लिए आया ना? नॉनसेंस। सर, आपको गुस्सा दिलाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। ये तो मेरा फैसला नहीं है, ये तो सरकार का निर्णय है, ये रूलिंग पार्टी का फैसला है, जो सरकार बोलता है वो तो मैं करके चुकना, अंडरस्टैंड? सर, आप जरा पढ़ के देखिए इसे। क्या ये? सन 1957 के स्टेट लैंड कंजर्वेंसी एक्ट के मुताबिक सन 1969 में कैलिकट कुरियाटी के जमीन खाली करने के मामले में तब के कलेक्टर के लिए गए निर्णय की कॉपी है ये। इसी प्रकार आप भी जमीन को खाली करने से पहले उनके रहने के प्रबंध करने के पश्चात ही आप उस प्रक्रिया से गुजर सकते हैं, यही लिखा है। आप मुझे सिखा रहे हैं? नहीं साहब, अगर आप चाहे तो बाहर जाओ ना। आई से गेट आउट। गाड़ी को यहां मत रोकना, थोड़ा आगे रोको। हाँ। अरे माइकल, इससे पहले मैंने कितनी बार कहा तुमसे, अभी तुम्हें अक्कल आई है, लीजिए
आपका पूरा पैसा। आप खुश तो हो ना? जरूर साहब, लेकिन साहब ये बात किसी को कहना मत, मालूम हो जाएगा तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। नहीं नहीं, मुझे ये सब कुछ नहीं मालूम। ठीक है सर। अच्छा, अगर सब काम सही सही हो गया ना, मैं मालिक से और भी पैसा दिलवाऊंगा। थैंक यू सर। हाँ जाओ। सब लोग ध्यान से सुनिए, जिला कलेक्टर के निर्देश के अनुसार इस कॉलोनी के सारे घरों को रास्ते बनाने के लिए जरूरत है और इसलिए घरों को तोड़ने के लिए सरकार ने आदेश दिया है। घर का नंबर 186 से लेकर 204 तक आज हम तोड़ेंगे। घर तोड़ने से पहले यहाँ पे जो भी है उनको अपने अपने सामान ले जाने के लिए हम समय देते हैं। देखो उस एरिया को पूरा तोड़ देना, कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, ठीक है? सब कुछ देख लेना। हाँ, मैं सर से मिल के आता हूं। सर, सब कुछ हो के है ना? सर, सब कुछ हो जाने के बाद मुझे फोन करना। सर, इन सभी समस्याओं के कारण ना उस माइकल वहां है क्या? नहीं सर, लोग डर गए हैं सर, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर बात क्या है की? अरे तुम बात तो बताओ सर, ये इतनी जल्दी खत्म नहीं होगा। बात क्या है बोलो सर, आप ही देख लीजिए। ना पीटिए, मुर्दाबाद। हमारी पेट में ना पीटिए, मुर्दाबाद। हमारी पेट में ना पीटिए, हमारी पेट में ना पीटिए, हमारी पेट में ना पीटिए, ना तोड़े ना तोड़े। मैडम पब्लिक के हाँ प्रॉब्लम कर रही है। नो मैडम, आई कैन डू इट। कोई प्रॉब्लम ना खड़ा होकर शांति से काम करने के लिए हम यहाँ आए हैं। हमारे काम में बाधा मत डालिए, कृपा करके यहाँ से आप लोग चले जाइए। मारने के बाद आप ये जगह खाली करवा सकते हैं। ये हमारी मातृभूमि है। पुलिस अत्याचार को मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। आप दया करके यहाँ से चले जाइए। पुलिस अत्याचार करोगे? जाके अपने एसपी साहब से बोलो तुम कि गरीबों का दर्द सिर्फ अय्यप्पा ही जानता है। अधिकार का अर्थ लोगों को मारने के लिए नहीं होता है, सेवा करने के लिए होता है। जाके साहब को बोलो। पुलिस के अत्याचार के मुर्दाबाद। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। हमारे पेट पे लात मत मारो, हमारे पेट पे लात मत मारो, हमारे पेट पे लात मत मारो, पुलिस के अत्याचार के मुर्दाबाद। हमारे पेट पे लात मत मारो, पीछे हटिए। अत्याचार के मुर्दाबाद, पीछे हटिए। हमारे अत्याचार के मुर्दाबाद, पुलिस के अत्याचार के लात मत मारो, पुलिस के अत्याचार के मुर्दाबाद। हमारे पेट पे लात मत मारो। Oh!
अच्छा, 22 तारीख एक मीटिंग तो है, वो मीटिंग में हम डिस्कस करेंगे। नमस्ते। नमस्ते सर। अच्छा, फिर बुलाएंगे सर। बैठिए। अच्छा, क्या हुआ बताओ? किसी को चोट नहीं पहुंचा, लेकिन शंकर नाम के एक आदमी सीरियस है, पुलिस पूछताछ कर रहे हैं। आपका पिता? सिर पर स्टिचेस है और शरीर में भी चोट लगी। मिस्टर जयदेवन, नियम से जो कुछ हम कर रहे हैं वो ठीक है, मगर ये मीडिया वालों ने हमको बेचैन कर रहा है। पुलिस और जनता के बीच झगड़ा हुआ तो सभी ऑपरेशन में ये सही होता है ना? इस ऑपरेशन में हमने एक बहुत बड़ा गलती कर दिया। पहले अय्यप्पन जी को उधर से निकालना था, बिकॉज वो आपका पिता है। सर, मेरे पिताजी ऐसे सामने आएगा ऐसे मैं सोचा भी नहीं। वो एक बहुत बड़ा इश्यू हो गया आज। सर, और कुछ क्या कर सकते हैं? मैं कुछ भी नहीं किया तो भी आप मुझे डांटेंगे ना? कुछ भी हो, पॉलिटिशियंस बिल्कुल इसको छोड़ दिया। अपने पिता से मिला? मैंने देखा, अभी मैं वहां से आ रहा हूँ। अच्छा, वो क्या बोल रहे हैं? वो क्या बोलेगा, कुछ नहीं बोला। मिनिस्टर्स बिल्कुल नाराज है, इसलिए तो ट्रांसफर जरूर होगा। वो जो कुछ समझता वो करके चुकेगा। परेशानी की कोई बात नहीं है? बदन में दर्द हो रहा है क्या? नहीं साहब, अभी भी दर्द बहुत है। अगर कोई और परेशानी है तो कल डिस्चार्ज हो सकते हैं। ओके। खाने में कोई रोक नहीं है, वो जो चाहे खा सकते हैं। पुरुषोत्तम, शंकर अभी कैसा है? आईसीयू से अभी तक शिफ्ट नहीं हुआ। वहाँ हमारे लोग हैं ना? है, एलियास और सरोजनी वहाँ है, और शंकर की पत्नी भी वहाँ है। तुम जाके देख के आओ। अरे बेटी, मैंने तुम्हें बहुत कष्ट दिया ना? वो सब सोच के आप तकलीफ मत लीजिए, ये दवाई खाइए। आप क्यों इन सब चीजों में पड़ रहे हो? बिना मुझे बताए आपने इतना बड़ा हंगामा कर दिया। सुबह उठ के जब आप तैयार होके बैठे थे, मैंने सोचा कि आप कलेक्टर ऑफिस जाएंगे। मुझे नहीं पता कि उन लोगों के साथ जाके इतना बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। न्याय के लिए लड़ने के चक्कर में आपने ऐसा काम कर दिया। सॉरी सॉरी। अरे बेटी, ये शरीर बूढ़ा हो गया है, लेकिन मन अभी तक जवान ही है। डॉक्टर ने बोला ना कि कल जा सकते हो। संभाल के पापा। कहीं पे जाके लड़ाई के बाद हाथ पैर तोड़ के आए ना, मुझे देखिए, कोई नहीं आएगा, सिर्फ ये अंजलि ही रहेगी। अगर आपने आज के बाद मुझे बिना बताए कहीं गए ना, मैं दवाई देके आपको सुला दूंगी। ये अय्यप्पा सिर्फ एक बार ही गिरेगा बेटी, वो भी आखिरी बार होगा, उसके बाद कभी नहीं उठेगा। मगर उसके लिए भी बहुत समय है, गिरने के लिए एक समय और जीने के लिए एक समय। इतनी हिम्मत आपके पास है तो बड़े बड़े एसीपी है ना, उनको देख के चांटा मारना चाहिए था ना। बेटे से मार खा के आए हैं, क्या बताएं? कुछ बोली क्या? नहीं, कुछ नहीं। गधा दलती मारे तो उसके बच्चे का कुछ नहीं होगा। लेकिन पापा को तो तकलीफ हो गई ना। मैं उसका पिता हूँ, उसकी परवाह किए बिना एक पुलिस अफसर की हैसियत से अपने फर्ज को निभाया है आज। इसे उसे दोषी ठहराना गलत बात होगी, क्योंकि विधि का विधान है ये। जी, शंकर का हाल बहुत बुरा है। क्या बोल रहे हैं? मेडिकल कॉलेज को लेके जाने के बोल रहा है। कुछ पैसा है तेरे पास? हाँ। देखिए यार, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। लीजिए। रहो, मैं आता हूँ। बेटी, मुझे उसे देखना है, अभी मिलना है उससे। चलो, मुझे वहां ले चलो बेटी। शंकर, हे शंकर, आंख खोल के देखो। हे ईश्वर, उसकी रक्षा करो।
आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको ड्यूटी ना करने से नहीं रोक सकते हैं ना। अब इसमें कुछ प्रॉब्लम भी होगी ना तो मैथ्यू सर देख लेंगे। कम से कम क्या होता है, मैक्सिमम ट्रांसफर। हाँ, और क्या होगा, लेकिन प्रॉब्लम अभी तक सॉल्व नहीं हुआ। कॉलोनी की प्रजा को वहाँ से क्लियर करके, रोड अलाइनमेंट को चेंज करके, रूट को बदला कर उस जगह को फ्री करके मैथ्यू के हाथ पर देना है। ये है ना हमारी अग्रीमेंट है। ये सब होना है तो पहले आपके पिताजी को वहाँ से निकालना है। उसी के बारे में ही सोच रहा हूँ। अच्छा मौका था लेकिन मिस हो गया। उस दिन पुलिस वालों की मदद से अगर हम उनका हड्डियां तोड़ देते तो उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ये पुलिस वाले जब जरूरत पड़े तो किसी को नहीं मारते। अगर पिताजी को यहाँ से बदलते तो? कहाँ? यहाँ से बदल कर कहीं दूर ले जाएंगे, हम किसी को कोई समस्या नहीं आएंगे। ये अच्छा आइडिया है। पिताजी क्या बोलेगा? हाँ, घर भेजना है, बताइए। बताता हूँ लेकिन देखिए, आपसे ना होने का काम कुछ भी नहीं है, एक बार अच्छी तरह सोच लीजिए। रास्ते तो है। हेलो। आई सी कब ठीक है। कलेक्टर को ट्रांसफर कर दिया गया है। आओ चलते हैं। हेलो। हाँ बोलिए नाना। क्या कब? क्या हुआ, क्या हुआ बेटी? किसका फोन था? पापा वो। क्या हुआ बताओ। शंकर मामा। शंकर, क्या हुआ उसे? शंकर मामा चले गए। मेरे साथ तुम लड़ते रहे शंकर, कहा कि साथ जिएंगे साथ मरेंगे, लेकिन मुझे तनहा छोड़ के चला गया। मरते दम तक तुमने ईमानदारी से काम किया और आज अपनी जान दे दी तुमने, तुम्हारी मौत व्यर्थ नहीं जाएगी शंकर। पापा क्या है ये सब, आप क्यों यूनिफॉर्म पहन के बैठे हो? अचानक मन में डर सा पैदा हो गया है, इस यूनिफॉर्म को पहनते ही वो डर भाग जाएगा, इसीलिए। आपको क्या हुआ पापा? आज ही शंकर और उसकी यादों को मैं मिटा नहीं पा रहा हूँ। पिछले साल इसी तारीख को ही मेरा और एक दोस्त मुझे छोड़ के चला गया, और पता है वो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में एक वायरमैन था, कभी कभार दारू पी लेता था और बहुत अच्छा था, और उसका मन स्नेह के भंडार से भरा था। 3 साल से केस चल रहा है, मेरी कमाई के भरोसे मेरे परिवार का खर्चा चलता है, केस के लिए पैसा कहाँ से लाऊंगा?
केस का फैसला कब है बताओ? 2 हफ्तों में केस का फैसला हो जाएगा। केस मेरे पक्ष में नहीं होगा ये वकील साहब कहते हैं। उसने भी बहुत बुरे बुरे काम किए हैं, बुरी संगत, गांजा और लड़ाई झगड़े और आखिर में एक खून। उसको जब पुलिस पकड़ कर ले जा रही थी तो चक्कर खा के गिर पड़ी मेरी पत्नी और वो आज तक नहीं उठी। किस लिए चिंता कर रहे हो? मेरी सर्विस भी 1 महीना ही रह गई है, वो भी चली गई तो मैं और मेरे बच्चे कहाँ जाएंगे? अगर फैसला मेरे खिलाफ आया तो भास्कर विश्वास करो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैंने एक फैसला किया है, इस खंभे पे चढ़ के उसको छूने से उड़ जाएगा फ्यूज। कुछ नहीं कर सका तो आखिर में यही करना पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है मेरे पास। किस लिए इस तरह बोल रहे हो तुम? पैसे वैसे चाहिए क्या तुम्हें? तुम्हें क्या चाहिए बोलो। मुझे शांति चाहिए, मिलेगी क्या? ये क्या तुम भी कर आए हो? मैंने कभी किसी का कुछ बुरा नहीं किया, लेकिन मेरे परिवार के साथ इतना बुरा क्यों होता है? इससे ज्यादा मैं यहाँ रहा तो कुछ बोल दूंगा, मैं चलता हूँ। मेरी किस्मत में जो लिखा है वो तो मुझे ही झेलना है। ये क्या तुम यहाँ घर बैठे हो? मैं तुम्हारे घर गया था तो पता चला कि तुम घर नहीं गए कल से। केस का फैसला आ गया यही ना? आ गया, आजीवन कारावास। तो पिए तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। इतनी रात गए यहाँ क्यों आके बैठे हो तुम? ये ट्रांसफार्मर देख रहे हो? बहुत सालों से मैं इसको देख रहा हूँ, इसको मैं रोज छू कर देखता हूँ। कल मेरा रिटायरमेंट है इसीलिए इसको बोल के जा रहा हूँ। भास्करा नरेशता आकर गाड़ी में बैठ, घर में छोड़ दूंगा। नहीं मैं चला जाऊंगा। मैं तुम्हारे घर में कुछ पैसे दे के आ रहा हूँ भास्कर, तुम चिंता मत करो, हम लोग हैं ना। अयपन जी आप बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत अच्छे। मेरे पास देने के लिए अभी बस यही है, ये रख लो, ये लाइनमैन की तरफ से बख्शिश है, कल से मुझे इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे इस तरह क्यों बोल रहे? नहीं चलो। नमस्ते। मैं चला जिधर चले रास्ता, मैं चला जिधर चले रास्ता। जिस दिन वो रिटायर हुआ उसी शाम को एडविन मेरे पास आके मुझसे बोला कि भारती नगर में जो ट्रांसफार्मर है उसके ऊपर हमारे दोस्त भास्कर की जली हुई लाश मिली, और मैं दौड़ता हुआ वहां गया और उसे एक ही बार देखा। मैंने खुद को संभाल नहीं सका। तुम नहीं जानती हो बेटी, आज भी वो मेरी आंखों के सामने रो रहा है। काश वो ट्रांसफार्मर गगनचुंबी ट्रांसफार्मर होता तो उसके ऊपर खड़े होकर वो हम सबको देख रहा होता आज। वेलकम मैम। थैंक यू।
यहाँ दो दो चपरासी रहते हैं क्या? नहीं मैडम, वो अय्यपन है, यही तवाली थे, अब रिटायर हो गए हैं। उनको बुलाइए। ठीक है मैम। मैडम, आपको पता नहीं है रिटायर होने के बाद ये यूनिफॉर्म नहीं डाल सकते हैं? डोंट रिपीट इट, ओके? आप कैसे हैं? ठीक है ना? हाँ ठीक हूँ। अभी आप खुश है ना? पुराना कलेक्टर गया, नया कलेक्टर आया है, इसलिए कॉलोनी को खाली करने में 6 महीने लगेगी। खुशी मुझे नहीं, कॉलोनी वालों को होगी। उससे भी बड़ी खुशी है ना आपको, अपने पेटों को हराने की खुशी। अच्छे कर्म का फल हमेशा अच्छा होता है और बुरे कर्म का बुरा होता है। बस कीजिए, ज्यादा उपदेश देने की जरूरत नहीं है। बच्चे पढ़ लिख कर अच्छे मुकाम पर पहुँचने पर खुश ना होने वाले कोई भी पापा है इस दुनिया में? नहीं, सरकार चलाने वाले मंत्रियों की खातिर अपने अधिकारों का गलत उपयोग करके निर्धन बेसहारा घर से बेघर लोगों को कुचलकर तुम टहा के मार रहे हो ना, ये मुझे बिल्कुल गवारा नहीं। ये काम करने के लिए मैंने तुम्हें पाला पोसा नहीं, कितना कष्ट उठाकर पढ़ाया तुम्हें पता है? खेत में मजदूरी करके कलेक्ट्रेट में काम करके अपने खून से सींचा है मैंने तुम दोनों को, पता है? जिस तरह तुम्हारी माँ तुम दोनों को छोड़कर चली गई, उसी तरह मैं भी तुम्हें छोड़कर चला जाता तो आज तक मैंने कभी तुम दोनों को उस माँ की कमी महसूस नहीं होने दिया। जानते हो मैंने तुम दोनों को अपने सीने से लगाए रखा, अपनी खुशियों के लिए ममता की गला घोंटने वाले से यानी तुम्हारी माँ को फिर से अपनी जिंदगी में बसाने के लिए मैं कोई उल्लू को पट्टा नहीं हूं। बाप का नाम रोशन करना ही तुम्हारा फर्ज है और मैं भी वही चाहता हूं। खैरियत, हमारी बारे में भी सोचिए, छोटी सी उम्र से पूछ रहा हूं, हम कलेक्टर के बच्चे हैं। हमारे पापा कौन है इस कंफ्यूजन में रहने वाले हमारे फीलिंग्स को भी आपको समझना है। विश्वा, इनका तो कुछ नहीं होने वाला है। चलो यार। पापा, पापा, आप क्या कर रहे हो? एक जगह पे बैठो ना। क्यों ये पंजी आज नहीं गए आप? कलेक्टर ऑफिस में नए कलेक्टर इनको आने से रोका है, हमेशा ये वहाँ पे जाते थे लेकिन आज इनको पता नहीं कि कहाँ जाना है। सुबह ये तैयार होने के लिए यूनिफॉर्म लिए थे लेकिन मैंने इनको मना कर दिया। पापा, पापा, पापा रुकिए ना। रुको, पापा, जा रहे हैं आप? कहाँ जा रहे हैं? कोई मेरे पीछे मत आना। अब हम क्या करेंगे? फिक्र मत करो। Thank you.
भैया अय्यपन सर को देखा? नहीं, हम नहीं देखे उनको। वो आए नहीं? यहाँ नहीं आए थे। मैडम है क्या? हाँ है। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। आपको एक बात बताने के लिए आई हूँ। कल आपने कलेक्टर ऑफिस में चार्ज लेने के लिए आए थे ना, तब आप एक चपरासी को देखा था। वो बूढ़े इंसान को अंदर आने के लिए कह के उनसे कहा था कि कल से यहाँ मत आना। हाँ मुझे याद है। उनके बारे में आप क्या जानते हो मैडम? कुछ बातों का मालूम है, स्टाफ ने बताया। आपके भी बूढ़े माँ बाप तो है ना मैडम, उनसे भी ऐसे ही बात करते हैं क्या? बूढ़े इंसानों की ख्याल रखनी चाहिए, इसे मत भूलिए। पावर है इसलिए आप सभी को तकलीफ नहीं दे सकते। वो मेरे पापा की तरह है, आपको पता है। कलेक्टर होना बड़ी बात नहीं है, बड़ों की इज्जत करनी चाहिए। हाँ तुम क्यों इतना टेंशन हो, उनको क्या हो गया है? पता नहीं आज सुबह से वो कहाँ गए हैं। सारी जगह पे ढूंढ लिया। आपने कहा था ना कि आज से कलेक्टर ऑफिस मत आना, इसी टेंशन में पापा कहीं चले गए। इन सब की वजह आप ही हो। मैं ये सब जानबूझकर नहीं बताया। ओ ठीक है, तुम... मैं अंजलि हूँ, मैं नर्स हूँ, उनकी देखभाल करती हूँ, बहुत दिनों से हूँ। और एक बात, यहाँ के ACP जयदेव सर पब्लिक प्रोसिक्यूटर विश्वनाथन सर के पापा है वो। ओ, अब क्या करना है? वही तो मैं भी सोच रही हूँ। चलती हूँ मैडम। दीदी थोड़ा सा खा लीजिए। दीदी अब तक कुछ भी खाया नहीं है, सभी समय रोते ही रहते हैं। राजलक्ष्मी के सारे कपड़े और सामान को पैक करके रखो, राजलक्ष्मी को मैं अपने घर ले जा रहा हूँ इसी पल। शंकर के बदले में जाओ, मुंह धो के आओ। ड्राइवर गाड़ी रखिए। मैडम आप कहाँ गए थे? ये है राजलक्ष्मी, मरहूम शंकर है ना उनकी पत्नी, ये मेरी राखी बहन है, ये कॉलोनी में तन्हा रहती है, इसलिए अपने घर लेके जा रहा हूँ मैं। कल से आप कलेक्टर ऑफिस आ जाएगा। बोल चुकी हूँ, विश्वनाथ सर ढूंढ रहे हैं, अभी तक वो घर नहीं लौटे, पता नहीं। बेटे एक मिनट, मैं कॉल बैक करती हूँ। ओके ये क्या बेटी? नहीं आप मुझसे बात मत कीजिए। अभी तक आप कहाँ थे? मैं बहुत डर गई, पता है, मेरी बातों को आप सुनिए ठीक है? पता है आपको कहाँ कहाँ ढूंढा? देखो बेटी मैं... मुझे आप कुछ मत बोलिए पापा, मेरी क्या गलती है, आप मुझे क्यों सजा दे रहे हो? अंजलि छोड़ दो ना। आप कुछ मत बोलिए नाना, मैंने सुना है बूढ़े लोगों की सोच हमेशा बड़ी होती है, लेकिन कहाँ, आपको अगर कुछ हो गया ना तो आपके बेटे मुझे कहीं का नहीं छोड़ेंगे।
क्यों बेटी, और कुछ? इस बूढ़े को क्या क्या बोल रही थी तुम? तुम्हें नहीं, हम लोगों के लिए एक तोहफा लाने के लिए गया था मैं। तोहफा? क्या तोहफा? बताता हूँ, मैं तुम्हें दिखाऊंगा। मुझे नहीं चाहिए। तुम्हें इस तरह गुस्सा क्यों आता है? बहन अंदर आ जाओ। राजलक्ष्मी अंदर आओ। आइए। इन्हें मैं अपने साथ लेकर आया हूँ। आज से ये भी इस घर का एक सदस्य होगा। वहाँ कॉलोनी में तन्हाई में आंसुओं के साथ जीने के लिए नहीं है मेरी बहन राजेश्वरी की जिंदगी। मेरे शंकर की बदले ये यहाँ रहेगी। देखो बहना, अब से ये तुम्हारा घर है, अंदर जाओ। सॉरी पापा, मुझे पता नहीं मैंने। नहीं, दुखी मत होना, तुम कुछ भी कह लो, सुनना मेरा कर्तव्य है बेटी, क्योंकि खुद के बच्चों ने जो प्यार मुझे नहीं दिया वो तुमने दिया है। तुम भी मेरी बेटी हो जो 100 बेटों के बराबर है। ए, नहीं बेटी, किस लिए रो रही हो? अरे ये क्या हुआ बेटी? रोते नहीं बच्चे, रोते नहीं बेटे, चुप हो जा बेटी। प्लीज बेटी। नहीं मैडम, मैं ठीक हूँ। इससे पहले भी किसी कलेक्टर के सामने मैं बैठा नहीं मैडम। ठीक है, आप कलेक्टर ऑफिस क्यों नहीं आया? जो बात मैं वहाँ नहीं कह सकता वो यहाँ कह सकता हूँ, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ मैडम। वो उस कॉलोनी का समस्या है ना, उसके बारे में मैं भी डिटेली पता चला, शंकर नाम के एक आदमी मरने तक। उसके पीछे क्या सच्चाई है आप जानती हैं? उसके पीछे आपके बेटे ACP जयदेव के हाथ है ना? वो मेरी कोई बात नहीं सुनता है, इसलिए मैं आपसे मिलने आया हूँ मैडम। परसों पहले एक ऐसी परिस्थिति आई तो उस समय के कलेक्टर ने जो फैसला लिया उसकी एक कॉपी है ये, आप देख लीजिए ना मैडम। उस केस को मैं डील कर रही हूँ, जरूर उनको नए जगह देने के बाद ही वहाँ से निकालते हैं हम। वो काफी है, सिर्फ वही काफी है। ठीक है, हम चलते हैं। ठहरिए, टी पी कर जा सकते हैं। नहीं नहीं, चाय नहीं चाहिए मैडम। ठीक है, तुमने उस दिन तुम होम नर्स ही बताया ना, आपको टाइम मिला है तो यहाँ पे आना। मेरा बूढ़ा माँ है, इनको भी प्रेशर शुगर सब कुछ है। मेरे माँ को आपको परिचय करा देती हूँ। माँ, यही मेरी माँ है सुभद्रा। माँ, इनका नाम अय्यप्पन, ये पुराने चपरासी है। तेरा मोबाइल नंबर बताओ। 9596 7870। Thank you.
पापा जाके शंकर की पत्नी को लेकर आए क्या? हाँ सर, वो उनकी मर्जी है ना, मैं क्या बोल सकती हूँ। ले लो, कल मैं जाके डॉक्टर को देखा, इसमें दवाइयाँ है, डोसेज उसमें लिखा है। पापा को खुद डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए था। वो किस लिए है? बच्चे जाकर बताया तो ठीक होता है ना, किसी पर तेरे को यकीन नहीं है ना? अंजलि तू क्या देख रहे हो? इसमें एक दवाई की डोसेज ज्यादा है। वो सब देखने को कौन कहा, जो बताए वही करो। मैडम पहले आप उस कॉलोनी को खाली करने की प्रॉब्लम को समझना चाहिए, देश के विकास ये है सरकार के उद्देश्य। देखिए एसीपी, आप जो कह रहे हैं मैं समझ सकती हूँ, अगर निकालना है तो उनको नई जगह दिखाना गवर्नमेंट का काम है ना। हाँ, उसके लिए काम तो शुरू हो गया मैडम। हाँ मालूम है, वो सब मैं पढ़ लेती हूँ और हम ठीक तरीके से करते हैं। बस एक ही हफ्ते में मेरे रिपोर्ट गवर्नमेंट को मिलेगा, उसके बाद गवर्नमेंट ही फैसला करते हैं। मैडम उसके बारे में बात करने के लिए आए हैं, उस रिपोर्ट को आप सोचकर ठीक से लिखना है। नो, मुझे क्या कहना है क्या लिखना है मैं ही डिसाइड करती हूँ, आपको कहने की कोई जरूरत नहीं। आपने हमें बुरा मान लिया है। आपका मालूम है ये किसने दिया? चपरासी अय्यप्पन, मुझे रेफर करने के लिए दिया। आप दोनों को मुझे मालूम है, यहाँ से जाइए, दोबारा इसी बात पर नहीं आना। अरे वो लोग चले गए? हाँ चले गए। ओ कौन है बेटी? ओ चपरासी अय्यप्पन के दो बेटे हैं वो लोग, एक एसीपी और एक पीपी। ये चश्मा आपको कहाँ मिला? बहुत पुरानी लगती है, कहाँ से मिला? ये शंकर मामा का है ना? हाँ, राजलक्ष्मी को लाते समय वहां से लिया मैंने। पापा क्या है ये सब, आपको क्या हो गया? पापा आपको दिमागी तौर से कोई प्रॉब्लम है? नहीं बेटी, शंकर की याद में मैं इसे यहाँ रखना चाहा। और एक बात, एसीपी सर ने मुझे आज घर पे बुलाया, आपके बारे में उन्होंने डॉक्टर से बात किया है, वो डॉक्टर अभी कुछ नई दवाइयाँ दिए हैं, ये लीजिए। ये दवा किसके लिए है? यही शक मुझे भी था, इसीलिए आते वक्त हमारे डॉक्टर डॉक्टर आइसक है ना, उनके पास ये दिखा के आई। पता है उन्होंने क्या कहा था? आपकी दिमागी हालत ठीक नहीं है ये कह के किसी डॉक्टर से ही लेके आए हैं। क्या कहा? हाँ पापा, दिमागी बीमारी से जो बहुत तकलीफ में है उनको देने वाले डोसेज है ये, इसे रेगुलर खाएंगे तो उनकी तबीयत बहुत खराब हो जाएगी। गरीबों के लिए आवाज उठाने वाले को पूरी तरह से तबाह करने के लिए मेरे ही बच्चे में इसका प्यारा देकर चुमाने की साजिश कर रहा है। बच्चों का हक तो पिंडदान करने का है, ना कि नरक में जाकर नाना प्रकार की यातनाएं भोगे वो। देखो बेटी, तुम कभी मेरा साथ नहीं छोड़ोगी ना, तो मेरे अंतिम सांस गिनने तक तुम मेरे साथ रहोगी बेटी। ऐसे मत बोलिए, मैं हमेशा आपके साथ हूँ, मैं हूँ पापा। हेलो,
अंजलि बोल रही हूँ। कब एडमिट किए हैं? सुभद्रा माँ को प्रॉब्लम तो नहीं है? ओके ठीक है, मैं आती हूँ। पापा, कलेक्टिव माँ नीचे गिर के हॉस्पिटल में एडमिट है। बताते हैं प्रेशर ज्यादा है, कलेक्टर ऑफिस में कॉन्फ्रेंस में है, जाने के लिए कहाँ है, चलती हूँ। आप कैसे हैं? नॉर्मल हो गए ना? नहीं मैम, टेम्परेचर तो अब तक ज्यादा है। ये मेडिसिन लाइए ना। माँ, मैं जाके इन मेडिसिन ले आती हूँ, ठीक है? सुनने में है कि तुम चक्कर काके गिर पड़ी, इसलिए मिलने आया। बात को मेरे बेटे को कभी पता नहीं चलना चाहिए। वो दोनों बेटे के पापा हैं वो। आपको इस हालत में देख के मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। मन को बहुत बार मनाने का प्रयास किया लेकिन माने तब ना। 35 बरस से मैं उसे अपने दिल में लिए फिर रहा हूं और आज के बाद भी वो हमेशा मेरे दिल में ही रहेगी। मैं कभी ये नहीं कहूंगा कि गलती सिर्फ मेरी पत्नी की ही है। अरे गलती तो उसमें मेरी भी थी। सातों वचन निभाने का मतलब क्या है तुम जानती हो? जब कोई औरत मर्द के साथ साथ फेरे लेती है तो सुख और दुख में उसके साथ ही रहना पड़ता है उसे। यही पति पत्नी का धर्म है। भूमि में भलाई जब बढ़ती है तो बुराई को घटने से बचाने के लिए क्या ईश्वर के द्वारा भेजी गई काम वासना की आग को भड़काने वाली महिलाएं हैं? ये हुस्न वाले जवाब दो बेटी। ऐसे मत बोलिए पापा, मैं भी तो एक लड़की हूँ ना। नहीं बेटी, तुम्हें नहीं बोल रहा हूँ। उत्तर खोजते हुए जाते हैं तो ही कितना अनमोल है प्रश्न ये पता लगता है। बस पापा, आप सोइए।
थोड़ी देर सोने के लिए क्या करना होगा? तुम्हारे हाथ में बेहोश होने वाली कोई दवाई तो होगी ना? नहीं नहीं, वो मत लीजिए। लीजिए, प्रार्थना करके सो जाइए। Yes, come in. आजा अंजलि। आपने मुझे क्यों बुलाया? एक दो काम है तेरे लिए। तनखा चेक नहीं चाहिए क्या? और मर गई ना शंकर की दीदी, उनको भी पैसा देना है क्या? नहीं चाहिए क्या? पिताजी कैसा है? पापा को कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैडम कहाँ है? वो उनके घर को गई है। उस कमरे में चेक और कैश है, जाके ले गया। ठीक है सर। बहुत दिनों से तुम्हें नंगे देखने जाता हूँ। पापा के साथ ही हो तो मेरी शांति उठ जाएगी, करेक्ट है ना? सर, पिताजी से कलेक्टर को मिला के सब कुछ बर्बाद किया। उनको वहां ले जाने में तुम्हें क्या जरूरत है? अभी समझ गई बात है? सर मुझे छोड़ दीजिए, वरना मैं चिल्ला के सबको बुला लूंगी। लाडली आ गई क्या? पहले आई, तबीयत बराबर नहीं बोली। तुमने खाना खाया? खा लेना। क्या हुआ? अरे क्या हुआ बोलो बेटी।
बाबा जी ने बोला दिए के साथ तीन बार परिक्रमा करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। पापा ऐसा कुछ नहीं है, मेरी बात सुनिए। सब कुछ ठीक हो जाएगा। पापा रुकिए, मुझे जाने दो। बेटी कहाँ हो तुम? बाहर आ जाओ, आ जाओ बाहर, आओ। जल्दी बोलो, कहाँ ना बोलने के लिए? मैं बोल रहा हूँ, जल्दी बोलो। तू कभी ठीक नहीं रहेगी, अच्छा नहीं होगा तेरे साथ, तू कुल में आखिरी है। तेरा भी सर्वनाश हो जाएगा, तेरा भी कुल का सर्वनाश हो जाएगा, तू बिल्कुल खत्म हो जाएगा, तेरा सर्वनाश हो जाएगा। मैडम क्या है अयपन भैया? आपसे मिलने आया हूँ मैं। अंजलि कहाँ है? उसको दिखाई नहीं दे रहा है। उसकी तबीयत कुछ खराब है। आप अंजलि को लेकर घर आइए। हाँ, आता हूँ। अब रोजाना मैं यहाँ नहीं आऊंगा, ये बोलने के लिए ही फिलहाल आया हूँ। मेरे बच्चों को यहाँ आना बिल्कुल पसंद नहीं है। वो आप बेटों का ईगो है, आप जब भी चाहें यहाँ आ सकते हैं, इसमें मुझे बहुत खुश होगा। और मुझे और मेरे माँ को आपके दोनों के अलावा हमारे लिए कोई और नहीं है, हमारे लिए कोई रिश्तेदार भी नहीं है। पापा 3 साल के पहले ही गुजर गए हैं। ठीक है, अब आज्ञा दीजिए। आप जरूर आते रहना, भूलना मत। एक बात और, एक हफ्ते तक मैं ली हूँ, आने के बाद मिलते हैं। बहुत अच्छा पार्टी है, अभी अभी वो गया। नया सेटअप है, नया है तो सुख ज्यादा मिलेगा ना। बीबी तो घर को चले गए, अभी हम नहीं किया तो कब करेंगे। हाँ समझा समझा। Oh,
हेलो करने के लिए आया हूँ। तेरा बाप ही तेरा खून करेगा। जिस हाथों से परवरिश की उसी हाथों से मारूंगा। इस पृथ्वी के लिए तू एक बड़ा बोझ बन गया है। आज तक जितने भी पाप तूने किए हैं उसकी सजा तुझे आज मेरा कोर्ट दे रहा है। कुछ दिनों से मुझे एक आवाज सुनाई पड़ रही है और वो है अपने बाप के सीने में खंजर भोगने के लिए उसकी धार को तेज करने वाली आवाज सुन रहा हूँ मैं। और गौर से देखा तो पता चला कि वो दुष्ट बेटा कोई और नहीं तुम ही हो। और वही आवाज सुनकर मैं यहाँ भागे आया हूँ। तुम्हारा बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। हे मेरे ईश्वर भोलेनाथ, मैंने आजीवन किसी को कोई दुख नहीं दिया, फिर किस लिए मेरी परीक्षा ले रहे हो? इस दुष्ट को इसके कर्मों को फल दे रहा हूं मैं। हे भोलेनाथ शक्ति प्रदान करो। हे भोलेनाथ। पापा, वो जयदेवन सर उनके घर के रूम में मरे पड़े हैं। पापा, आप वहां पे गए थे? मैं गया था, उसे मारने के लिए गया था मैं, लेकिन मार नहीं सका। उसकी जन्म लेने से पहले ही उसे बहुत प्यार करता था और उसे इतना प्यार करता था मैं क्योंकि उसी ने कभी हमारे जीवन को खुशियों से भर दिया था। लेकिन प्यार में अंधा नहीं होना चाहिए, चाहे वो माता पिता हो या फिर गुरु, भले ही वो पुत्र हो या फिर पुत्री, सुख क्षण भर का है। जब ये आत्मा शरीर से जुदा होती है तो तुम्हारी रक्षा करने वाला कोई नहीं होगा, इसे बोला सिर्फ तुम्हारा कर्म ही होगा, ये बोला। ऐसा मैंने उसे उपदेश दिया था। मैंने खून नहीं किया, सच कह रहा हूं, मैंने नहीं किया खून। इधर यहां तक सर। सब काम खत्म हो गया ना? ओके सर। पोस्टमार्टम का काम शुरू। हाँ। मेजरमेंट सब सही ले लिया ना? पूरा एरिया देखना है। ओके, पहले बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजिए। ओके सर। हाँ
सब जगह अच्छी तरह से चेक कीजिए, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। ओके? हाँ, ओके। बाकी के काम का क्या हुआ? कुछ हुआ नहीं है, अब से फॉर्मेलिटीज चल रही है। पोस्टमार्टम का काम शुरू हो गया है। कल रात को भैया ने मुझे कॉल किया था, बहुत कुछ कहा उन्होंने, उसका डिटेल्स इसमें है। ओके, इन्वेस्टिगेशन हमने स्टार्ट कर दी है। मेरी ओर से मैं पूरा सपोर्ट करूंगा। यस, थैंक यू सर। क्या है? इतने चश्मे आपको कहां से मिले? बाजू वाली गली में जो आंखों का डॉक्टर है ना, डॉक्टर पत्रोस, उनसे मिलने के लिए गया था मैं, और उनके पास पुराने जितने भी चश्मे थे वो सब लेकर आया मैं। ये हमारा कुमार है ना, उसका है ये, बालफिरस औसफ का है। किस चश्मे से साफ दिखाई देगा नहीं जानता मैं। पापा, आपको क्या हो गया? दिन ब दिन मेरी आंखों की रोशनी कम होती जा रही है। आज फिर पत्रोस के पास जाना होगा मुझे, और आज एक दूसरा चश्मा देंगे वो मुझे। है ना अंदर? हाँ है सर। क्या हुआ सर? वो मैं उनसे बात करता हूँ। आइए अपन, आपको अरेस्ट करने के लिए हम आए हैं। एसीपी जयदेवन सर का मौत एक मर्डर है। कल रात को आपने उनसे बात की थी और आपकी उनसे हाथापाई भी हुई थी। सारे सबूत आपके खिलाफ है। यू आर अंडर अरेस्ट। सर, मेरे पापा ने कुछ नहीं किया। पापा को छोड़ दीजिए। पापा, पापा को छोड़ दीजिए। पापा ने कुछ नहीं किया। पापा, मुझे छोड़ के मत जाइए। पापा, पापा, पापा मत जाइए। पापा, 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 ऑर्डर, ऑर्डर, ऑर्डर। एसीपी जयदेव के हत्या केस में पुलिस एक को शक करते हैं। बीजापुर पटेल की पुत्र अय्यप को आज से 7 दिन के लिए पुलिस कस्टडी ले सकते हैं। ये मेरी आदेश है। जाओ, बस करो। 7 दिन के बाद जज साहब के सामने खड़ा करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए।
बेटी बेटी क्या हुआ? कुछ सपना देखा? नहीं नाना। क्या हुआ? बहुत बुरा सपना देखा होगा। क्या हुआ? तुम अकेले मत सोना, मैं भी तेरे साथ सोती हूँ। भगवान को प्रार्थना करके सो जाओ। सो जा बेटी, डरो मत, हम लोग हैं यहाँ। मेरे कारण तुम्हारी जिंदगी की गाड़ी पटरी से उतर पड़ी है आज, मेरी वजह से। ठीक कहा ना? तुम्हारी पत्नी और मेरी बहन राजेश्वरी ये सब मेरे बारे में क्या बोल रही होंगी? कुछ दिनों के बाद कोर्ट में पैरवी करेंगे वकील, और उसके बाद क्या होगा? फांसी ही होगी ना। यूं सारी उम्र तकलीफ झेल के कर्म करने का परिणाम है। इस तरह जीवन भर एक मोमबत्ती बनकर जीने से बेहतर है सदा के लिए बुझ जाऊं मैं। बहुत सह लिया है। तुम क्यों रो रहे हो? मैं तो एक इल्जाम को अपनाने के लिए आया। कैसा गुनाह? गुनाह मैंने किया और सजा भी मुझे होनी चाहिए। नहीं, जयदेवन को मैंने खत्म किया। जब अंजलि आपके पास जो बोल रही थी ना, क्या बोल रहे हो? मुझे जरा भी विश्वास नहीं हो रहा। हाँ, मैं तो सच ही बोल रहा हूं। जब तुम दोनों झगड़ा कर रहे थे ना, तब मैं भी वहां था। बेटे को खून करने के लिए आपको मन नहीं लगेगा, ये तो मैं सोचा था। आप शुरू नहीं करेंगे, वो तो आपका चाल चलन से महसूस हुआ। क्यों किया तुमने? पोती की जिंदगी को नुकसान किया। ये तो मैंने ही किया। कल मैजिस्ट्रेट से मिलकर सब बोल दूंगा। इसका जो दंड है वो तो मैंने ही ले लेता हूं। नहीं नहीं, सजा मैं ही भुगत लूंगा। नहीं, इसमें आपका गलती तो कुछ भी नहीं है। आप क्यों जेल में जीवन बिताना? वो भी मेरा ये पंजी। मेरा ये पंजी बाहर रहना है। टाइम हो गया, चलिए।
मेरे भाई मैं चलूं, मेरी पोती को अच्छी तरह पालूं। सब ठीक है ना? गेट बंद करके चाबी देने को कहा है। विश्वनाथ जी का ऑर्डर है, लाइए। ठीक है, जाइए। भैया, और हम ईश्वर से मैंने सदा यही प्रार्थना की कि उनके आशीर्वाद से मेरा जीवन सफल हो जाए, मगर आशीर्वाद के बदले आंसू ही मिला मुझे। कोई बात नहीं, ये भूमि है ना बहुत ही बड़ी है, आओ। बेटी, पापा आपको एक बात मालूम है, सरकार ने बताया कि इन कॉलोनी को ना निकालें। अब आप जा सकते हैं, मेरे साथ मेरे पापा रहते हैं। ये पकड़ो। My brothers and sisters, I love my country. I love my country.